तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैं कानपुर से वेस्ट बंगाल यहाँ पे हावड़ा आया हूँ। तो बस अब आगे एक्सप्लोर करना है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आगे पूरी सीरीज को भी फॉलो करिएगा, ऐसे प्यार दीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैंने जस्ट ओला उबर बुक कर लिया है, मैं यहाँ से सीधे अपने होटल जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों से आगे बात करता हूँ। तो यार, अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में। बहुत ही अच्छा रूम मिला है और जस्ट दमदम एयरपोर्ट जस्ट पीछे है और जस्ट इधर यहाँ पे मेरा रूम है। कल सुबह मुझे यहीं से ही दमदम एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी है पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो जी हाँ, मैं कोलकाता से सीधे पोर्ट ब्लेयर जा रहा हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है यहाँ से, लगभग 9:50 की है। तो अभी आज कुछ ऐसा ज़्यादा प्लान है नहीं, बस सोचा है कि काली टेम्पल जाएंगे, घूम करके आ जाएंगे। वैसे अभी हम लोगों ने ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा है कि हाँ, यहाँ आज छुट्टी का दिन भी है तो इस वजह से कहाँ ही जाएंगे, सब जगह तो बंद ही होगा। तो इस वजह से कोई बात नहीं, जहाँ जो भी हो पाएगा वो आप लोगों को दिखा देंगे। तो एक बार फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यार, अभी निकला है होटल से अपने, बढ़िया फ्रेश फ्रेश होके अभी जा रहे हम लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो हम लोगों ने मैजिक पकड़ ली है, मैजिक से ही डायरेक्ट हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। होटल वालों से हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने सब कुछ हम लोगों को बताया कैसे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने मैजिक ली है, इसी से हम लोग जा रहे हैं आराम से। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें और डिटेल में अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत ही सिंपल सा रूट था, कुछ ज़्यादा परेशानी होना। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो एयरपोर्ट से सीधे आप बोलोगे दक्षिणेश्वर काली जाना है, एयरपोर्ट गेट नंबर 2 से सीधे आपको यहाँ पे आकर छोड़ देंगे। अभी शायद यहाँ अंदर कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मुझे फ़ोन जो है सबमिट करना पड़ेगा, तो मैं अंदर का आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो एक बार मैं मंदिर से दर्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो यार, दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ गए, आप लोग पीछे देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है मंदिर। बस ये यहीं तक फ़ोन अलाउ है, इसके बाद फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैं फ़ोन रख दूँगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि हाँ, ये देखो यही मंदिर है। अभी इसके अंदर जाते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों से। गाइस, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, काफ़ी मज़ा आया दर्शन करके। अभी यहाँ से सोच रहे हैं कि एक अगला प्लान हम लोग का और है, वहाँ जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं बैरकपुर, बैरकपुर की फेमस दादा बोधी, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो भी कोलकाता से देख रहा होगा या जो भी आसपास से देख रहा होगा उनको मालूम होगा। तो कोलकाता की सबसे फेमस दादा बोधी बिरयानी अभी हम लोग जा रहे हैं, जाके ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, जब तक हम लोग दादा बोधी बिरयानी चलते हैं तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। आप लोग इसीलिए फेमस है दादा बोधी बिरयानी, यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है आपको बिरयानी खाने के लिए। शे देख लो, इतने भगोने यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं सब एक ही दिन में। और ये कुछ लाइन है, इस लाइन में हम लोग भी लगे हैं। भाई साहब, यहाँ का एम्बियंस देख के मेरा दिल खुश हो गया है। बिरयानी अभी आती है, मुझे तो मैंने जो सुना था, सच बता रहा हूँ, मैं सच सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने जो सुना था इतना ज़्यादा अच्छा था एम्बियंस, रुको मैं एक बार आपको सामने से दिखाता हूँ, इतना अच्छा एम्बियंस है। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाया। वैसे मैं बता दूँ, पहले ये बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था। कोलकाता में इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे पुराना है, इसीलिए मैंने चूज़ किया इसको यहाँ। यहाँ ये मैं एक स्पेशली इसी पे डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने जोड़ी वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये स्पेशली इसी के लिए वीडियो है। टाइटल एंड थंबनेल देख लिया आप लोग जान चुके हैं। देखो मैं एम्बियंस दिखाता हूँ आपको, एम्बियंस पैक है पूरा दादा बोलिए। सामने पता नहीं क्या है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ बहुत ज़बरदस्त है यार। मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी सजा करें बस आप लोगों को खा के दिखाऊंगा, उसका टेस्ट बताऊंगा, बस उसके बाद ही जो बात करूँगा मैं करूँगा। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है।
यहाँ के भी मैंने वैसे कानपुर में और अपने यहाँ पे एरिया में बहुत सारे देखे हैं आउटलेट, लेकिन जो बात यहाँ की ना भाई साहब सच बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ आ रहा था मैं सोच के आया था यहाँ जरूर आऊँगा, चाहे कहीं और जाऊँ अदरवाइज ना जाऊँ, लेकिन यहाँ जरूर आऊँगा, तो इसी वजह से मैं आया हूँ। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे तो दो तरीके के चावल है, एक ब्राउन चावल है एक व्हाइट चावल है, आराम से दिख रहा है। पीस भी आप देख रहे हो, लेग पीस मिली है एकदम मस्त वाली। अब आ रही है मटन बिरयानी की। यहाँ की बिरयानी की एक चीज़ फेमस रहती है, स्पेशल रहती है आलू, ये आलू जो लोग बॉयल करके ये लोग डालते हैं। तो अब चलो ट्राई करते हैं मटन बिरयानी को। तरीके से गल चुका है एकदम, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ मटन थोड़ा सा कम पका, बिल्कुल गल चुका है पूरे तरीके से। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से उसको निपटाते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी वीडियो के चक्कर में। कि आप लोग अगर कोलकाता आते हो तो दादाबोधी बिरयानी जरूर ट्राई करना एक बार, बहुत मस्त होती है सच बता रहा हूँ, चिकन वाली ज्यादा अच्छी होती है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 230 रुपीज की चिकन वाली थी और 330 रुपीज की मटन वाली थी, तो जो प्राइस के हिसाब से जो देते है ना क्वांटिटी, भाई साहब सच बता रहा हूँ जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा ही था, कम नहीं था। और वो जो केले के पत्ते में लगा के देते ना भाई साहब, वो उसका मतलब वो लगा देने से ही, नीचे एक प्लास्टिक की प्लेट रहती है लेकिन वो जो केले का पत्ता लगाते हैं ना उसमें, तो फिर भाई चार चांद लग जाते हैं उसमें। और अगर आप लोग भी दादाबोधी बिरयानी जाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दें, तो सिंपल रास्ता है, आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर, आप कोलकाता के किसी भी एरिया में हो दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ जाओ, वहां से सिंपल आप बस पकड़ो आराम से बैरकपुर के लिए। बैरकपुर में किसी से भी पूछ लेना कि दादाबोधी बिरयानी कहाँ है, वो आपको आराम से बता देंगे। पहले जो था वो आउटलेट थोड़ा सा बना नहीं था, अब जो है वो बन गया अच्छे से रेस्टोरेंट टाइप का, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो इस वजह से काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलो बस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं जरूर बता दूंगा आपको, उसका आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता, अब करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।